व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए और एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी को लेके, जो ऑब्वियसली होने वाला है वर्क फ्रॉम होम जॉब, यानी कि ये काम आप घर बैठे कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, आज जो काम हम करने वाले हैं, अगर आप एक बेसिक लेवल या फिर इंटरमीडिएट लेवल या फिर एडवांस लेवल फ्रीलांसर है तो भी आप ये काम कर सकते हैं। यानी कि ये जो काम है, ये करने के लिए ना तो आपको कोई भी एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, ना ही कोई एज रिस्ट्रिक्शन है, इवन ना कोई भी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है। कोई भी ये काम कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, तो आप ये काम कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, जिस वेबसाइट पे आज हम लोग काम करेंगे वो 100% लेजिट एंड जेन्युइन है, एंड इस वेबसाइट पे हम लोग काम करेंगे कॉपी पेस्टिंग का। नाउ जैसे कि दोस्तों, हम सबको पता है कॉपी पेस्टिंग के काम में हमें एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह में पेस्ट करना होता है, एंड ये काम बहुत ही ज़्यादा कॉमन एंड ईजी होता है। अगर आपको ये काम के बारे में पता है, अगर आप एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे ये काम करना होता है, तो डोंट वरी, आगे जाके वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगी। लेकिन अभी चलिए जान लेते हैं कि यहाँ पे काम करके आप पर डे कितना अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर डे आप मिनिमम 1000 रुपीज़ टू 2000 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं। जितना ज़्यादा डेडिकेटेडली आप काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, एंड ईजिली आप आपकी अर्निंग को यहाँ पे विदड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप आपकी अर्निंग को ईजिली बैंक अकाउंट ट्रांसफर के थ्रू एंड पेपल के थ्रू विदड्रॉ कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारे साथ बने रहिए, हमें फॉलो करके इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, एंड सब्सक्राइब करके यूट्यूब पे। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, बिकॉज हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे रोज 4 से 5 न्यू जॉब, फ्रेश जॉब पोस्ट करते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यस, अगर काम करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, इशू है, तो डायरेक्टली आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे। आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यस दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एंड पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रिव्यूज देख लेते हैं। ये जो रिव्यूज आप देख सकते हैं, ये पूरा ही वेबसाइट के ऊपर है, एंड यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं, कैसा यहाँ पे काम है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। पूरा ही यहाँ पे सर्विसेज के बारे में बताया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी फ्रीलांसर्स यहाँ पे काम करते हैं, वो इन ये जो वेबसाइट है इसको बहुत ही ज़्यादा रिलाई करते हैं। एंड यहाँ पे आपको 100% आपकी पेमेंट भी मिलता है, एंड आपको टाइमली यहाँ पे काम भी मिलता है। कोई प्रॉब्लम भी अगर आपको हो रहा है, तो उसका भी आपको यहाँ पे असिस्टेंस मिल जाता है। सो रिव्यू चेक करना काम स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टास्क होता है दोस्तों। तो चलिए अभी हम लोग जाएंगे मेन वर्क पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सर्च बार है, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट लिख के रखा है, सर्च किया है, तो ऑलरेडी मेरे पास 2 वर्क आ चुका है, उनमें से मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक आपको दे दिया है, वहाँ से डायरेक्टली जब आप जाएंगे तो आपके सामने 2 से 3 वर्क ऑलरेडी रहेगा। सो उसके बाद जब भी आप कहीं भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको कॉपी पेस्ट लिखना है एंड सर्च करना है। ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, अभी चलिए काम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो ये जो कंपनी है जहाँ पे हम लोग काम करेंगे, जो वेबसाइट पे हम लोग काम करेंगे, यहाँ पे बेसिकली डेटा एंट्री का काम होता है। लेकिन हम जो काम करेंगे वो डेटा एंट्री का काम नहीं है, हमें कॉपी पेस्टिंग करना है। नाउ यहाँ पे ऑलरेडी कोई डेटा टाइप किया हुआ है या फिर राइट किया हुआ है, हमें क्या करना है, एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट करना है, ये हमारा काम है। नाउ कहाँ पे पेस्ट करना है, हो सकता है वो कोई वर्ड फाइल हो, कोई भी एक्सेल शीट हो, कहीं पे भी हमें पेस्ट करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो काम आप करेंगे उसके लिए आपको सेपरेट ट्रेनिंग दिया जाएगा। अराउंड 3 to 5 डेज का आपका यहाँ पे ट्रेनिंग होगा, ठीक है। ट्रेनिंग में आपको समझाया जाएगा कि कैसे आपको काम करनी है। ये ऑब्वियस बात है कि आपको एकदम ही माइक्रोसॉफ्ट की जो भी सॉफ्टवेयर होता है वहाँ पे काम नहीं करना है, उनके खुद की सॉफ्टवेयर में काम करना है। तो इसीलिए किस तरीके से काम होगा वो आपको समझाया जाएगा। नाउ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मेंशन किया गया है, प्रोवाइड हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस टू द क्लाइंट, रिस्पॉन्डिंग टू रिक्वेस्ट एंड इश्यू एक्यूरेटली एंड प्रॉम्प्टली। नाउ यहाँ पे जो भी आपको क्वेरी के बारे में लिखना है या फिर रिप्लाई देना है, वो कॉपी पेस्टिंग के द्वारा आपको देना होगा। यानी कि हर एक प्रॉब्लम का अलग अलग रिप्लाई होता है, तो आपको समझ के कॉपी पेस्ट करना है रिप्लाईज को, एंड ईमेल के थ्रू आपको वो जो रिप्लाई है वो सेंड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते, आपको यहाँ पे समझना होगा आपकी जो काम को, इंसिडेंट, प्रॉब्लम, सर्विस रिक्वेस्ट, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ काम आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें आपको काम यही करना है कॉपी पेस्टिंग का, लेकिन तरीका अलग होगा, राइटिंग जो भी रहेगा आपके पास वो अलग होंगी, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो क्वालिफिकेशन का अगर मैं बात करूँ, तो हाई स्कूल डिप्लोमा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हाई स्कूल डिप्लोमा जनरली अगर आप 10 पास 12 पास है तो भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, अगर आप 8 पास भी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे तो आप भी यहाँ पे काम का जो मौका है वो आपको मिलेगा जरूर। नाउ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम स्किल्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ही ज्यादा क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज में से पड़ता है।
आप देख सकते हैं स्पीक्स विद क्लैरिटी, जो भी बात आप करते हैं वो क्लियरली होगा, क्योंकि जब आप ये जो कॉपी पेस्टिंग का काम करेंगे ना, जितना ज़्यादा आप अच्छी तरीके से बात करेंगे उतना ज़्यादा आप उसको समझ पाएंगे। सो इसके लिए ही किस तरीके से बात करना, राइटिंग का आपका तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपली आपको अप्लाई फॉर जॉब में जाना है दोस्तों, यहाँ पे जो है उसको नो थैंक्स करके प्रोसीड कर देना है। सो ये जो कंपनी है ये है KU's होल्डिंग, जहाँ पे हमें काम करना है। सो ये जो फॉर्म है ये बेसिकली फ़ोन में मैं दिखा रही हूँ आपको, इसीलिए ऐसा आ रहा है। अगर आप डेस्कटॉप पे करें तो ऑलरेडी ये प्रॉपर साइज में आएगा, अगर आप चाहते हैं तो इसको आप डेस्कटॉप साइड भी करके देख सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, लेकिन क्या यहाँ पे लिखा हुआ है अगर मैं बताऊँ तो बेसिकली जो भी हमने अभी डिस्कस किया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक रिमोट वर्क है, यानी कि घर बैठे ये काम आप कर सकते हैं, ये एक फुल टाइम काम है। एंड यहाँ पे जो पे रेट है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेन आपका जो कैटेगरी है वो है कस्टमर सपोर्ट का, काम आपका कॉपी पेस्टिंग का होगा। सो अप्लाई पे आपको क्लिक करना है, देन आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे देनी है। अगर आप कैलिफोर्निया से तो आपको उस बॉक्स को क्लिक करनी है, अगर नहीं है तो आपको नहीं करना है क्लिक, ठीक है। इसके बाद आपके सामने और एक फॉर्म खुल जाएगा, ये मेन फॉर्म है जिसको आपको फिलअप करनी है। सो धीरे धीरे इसको समझिए, उसके बाद यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे CV डालनी है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, CV यानी कि रिज्यूमे जो होता है वो बायोडाटा होता है, यानी कि आपके बारे में आप लिख रहे हैं। नाउ कहाँ से आपको फॉर्मेट मिलेगा, आप चाहे गूगल से या फिर प्ले स्टोर से रिज्यूमे मेकर या फिर CV मेकर्स, बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिलेंगे, वहाँ पे अपने रिज्यूमे बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो कंप्यूटर माई कंप्यूटर पे करेंगे, नहीं तो बाकी जो तरीके हैं वहाँ से आपको अपलोड करनी है। देन बेसिक जो भी डिटेल्स है, अगर आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल है या फिर कोई भी वेबसाइट वगैरह तो आप दे सकते हैं। आई होप यहाँ पे अगर ये आप नहीं भी देते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपकी एड्रेस क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, एकदम बेसिक से लेके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको लिखनी है। अगर आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कैरी नहीं करते तो कोई बात नहीं, आपको ये फिलअप नहीं करना है। अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो उसका भी ऑप्शन है, एड मोर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दे सकते हैं। देन आपको एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है, यानी कि ईमेल का एक आईडी यहाँ पे पुट करना है, पासवर्ड देना है। एंड पासवर्ड ऐसे दीजिए जहाँ पे लेटर नंबर एंड साइंस एक साथ रहे, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस है, लास्ट में आपको जाके डायरेक्टली यहाँ पे सबमिट कर देना है। बस इतना ही प्रोसेस है जिस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए अप्लाई कीजिए। कोई भी अगर इशू हो रहा है, कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको 100% हेल्प करेंगे। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमें फॉलो करके इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे एंड सब्सक्राइब करके यूट्यूब पे। दोस्तों हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा एंड हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।